प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका की व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में द्विशतनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। वहाँ की कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रथम सदन जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिनिधि सभा है। द्वितीय सदन जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, सीनेट है। प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर, जबकि सीनेट का निर्माण वहाँ की इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। तात्पर्य कि वहाँ की सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। अमेरिका के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कांग्रेस की शक्तियां और कार्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद प्रथम में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी। व्यवहार में कांग्रेस को न केवल विधायी वरना प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। कांग्रेस की प्रमुख शक्तियां और कार्य निम्न हैं। कांग्रेस की कार्य और शक्तियों में प्रथम शक्ति कानून निर्माण संबंधी शक्ति है। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4वें अध्याय में दिया गया है। कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की हैं, प्रदत्त, पहली प्रदत्त, दूसरी निहित और तीसरी समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, उसको एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था, मुद्रा के निर्माण, डाक, तार इत्यादि के प्रबंधन करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में नीत शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख 4वें अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक, कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना, फालतू बिजली को बेचना, सैनिक, जल सेना, अकादमियां स्थापित करना है, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा आदि पर धन खर्च करना भी शामिल है। समवर्ती सूची, इस शक्ति के अंतर्गत समवर्ती सूची में भी विषय शामिल हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना और व्यवस्था करना, बैंक, कॉरपोरेशन की स्थापना लोगों के हित के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना समवर्ती सूची में शामिल है। इस तरह से कांग्रेस की कानून निर्माण के संबंध में सीमित शक्तियां प्राप्त हैं और वे 3 प्रकार की हैं, प्रदत्त, निहित और समवर्ती। कांग्रेस की दूसरी प्रमुख शक्ति हम देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा सर्वप्रमुख कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को
निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले तीन उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम दो उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। कांग्रेस की तीसरी शक्ति कार्यपालिका संबंधी है। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्ति करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप में नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। कांग्रेस का चौथा कार्य प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है, उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। कांग्रेस का पांचवा कार्य जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस की जांच पड़ताल करने के इस कार्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना छठा प्रमुख कार्य है कांग्रेस का। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिका संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश प्रदान किया है। कांग्रेस का सातवां कार्य दोनों सदनों की अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। कांग्रेस का आठवां कार्य वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी ही शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। न्यायिक कार्य। संविधान में कांग्रेस को ये अधिकार दिया गया है कि वह देशद्रोह भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराधों पर वह राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी को महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है।